हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लास्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, नॉर्मलाइज एंड डिफरेंस बिटवीन रिडंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन, उसके साथ ही आपको अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स का पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। क्लियर? तो व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? अ रिलेशन, कोई भी टेबल या रिलेशन, इज सेट टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ every entry of a relation has at most a single value। ठीक है, हर एक relation को हम first normal form में तभी कह सकते हैं अगर उसकी हर entry में उसकी single value हो, multi value attribute नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका objective क्या होगा? It removes the repeating groups in a table and ensure each entry have single value। ठीक है, जो normalization में चाहिए वही इसका objective होगा। तो सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है, आपको छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, डिटेल में हम आगे देखते हैं बाद में। लाइक हमारे पास वी हैव ए बी, ठीक है, और सी, या हम दो ही ले लेते हैं, ए और बी है। ठीक है, हमारे पास जो वन है उसकी वैल्यूज है एक्स वाई और टू की वैल्यू है जेड। तो अभी देखो यहाँ पे जो वन है, जो ए की वैल्यू वन है, वहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं? वहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। क्लियर? और इसको हम लिख सकते हैं लाइक वी कैन राइट इट एज एक्स वाई टू जेड। तो अभी क्या आ गया, इसको डिकम्पोज, लाइक हमने फ्लैटन करके क्या कर दिया अभी, कि वन पे एक्स है, वन पे वाई है, जेड पे जेड है, मतलब हर एक एंट्री पे वी हैव अ सिंगल वैल्यू। पर यहाँ पे क्या था, हर एक वन की एंट्री पे यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज थी। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कह दिए कि हर एक एंट्री पे कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, हर एक एट्रीब्यूट की ओनली सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अभी ये करने के दो हमारे पास वेज हैं, जो कोई भी हमारे पास रिलेशन है उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू वेज। फर्स्ट वन इज फ्लैटनिंग द टेबल, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज डीकम्पोज द टेबल। तो अभी हम देखते हैं कि फ्लैटनिंग टेबल कैसे करते हैं, देन वी विल लुक एट हाउ टू डीकम्पोज द टेबल सो डैट वी कैन मेक इट इन टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, वी हैव अ टेबल विद नेम स्टूडेंट। तो उसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं, वी हैव रोल नंबर, नेम एंड कोर्स। ठीक है, अभी ये जो टेबल है दिस इज नॉट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दिस इज नॉट इन 1NF, ये 1NF में नहीं है, तो इसको हम 1NF में बनाएंगे। 1NF में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर 1 के पास दो कोर्स हैं सी और सी प्लस प्लस, और रोल नंबर 3 के पास भी दो कोर्स हैं सी एंड DBMS, तो यानी कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन गया, तो इसी को तो हमें रिमूव करना है। तो जो फर्स्ट वे था डेट इज़ अ फ्लैटनिंग द टेबल। फ्लैटनिंग टेबल क्या है, इट रिमूव्स, क्या करता है, इट रिमूव्स द रिपीटिंग ग्रुप, ये रिपीटिंग ग्रुप है, दिस इज अ रिपीटिंग ग्रुप, इसको हम रिमूव कर देते हैं बाय फिलिंग इन मिसिंग एंट्रीज ऑफ ईच इनकम्प्लीट रो। तो देखिए हम फ्लैटनिंग अब कैसे करते हैं, अभी वी हैव रोल नंबर, वी हैव नेम एंड वी हैव कोर्स। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं वन, नेम क्या है उसका, सही है। ठीक है, अभी ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, दोनों को हम अलग अलग रो में लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रोल नंबर टू आ गया, उसमें नाम उसका हर्ष है एंड द कोर्स इज जावा, इसमें एक ही कोर्स था तो एक ही रो में आ जाएगा। थर्ड हमारे पास है ओंकार, और इसके पास भी दो कोर्स हैं, एक सी है, दूसरा क्या है DBMS। क्लियर? अभी यहां पे देखो हमने लिखा था By filling in the missing entries। अभी ये missing entries कौन कौन सी होगी, ये वाली missing entries होगी, ये वाली missing entries होगी, इसको हम fill कर देंगे। ठीक है, तो fill कैसे करेंगे, वही इसको वन लिख देंगे, यहाँ पे साई लिख देंगे, थ्री लिख देंगे, और यहाँ पे इसका नेम ओंकार हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, इसमें देखो डेटा रिडंडेंट आ रहा है, क्लियर, बट हमारे पास जो जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, ठीक है, वो हमारे पास खत्म हो गया, रिपीटिंग ग्रुप हमारे पास खत्म हो गया। क्लियर, हर एक एंट्री पे अभी आप देख सकते हैं सिंगल वैल्यूज है। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ फ्लैटनिंग द
टेबल। आगे हम देखते हैं कि इसको हम फर्दर डीकम्पोज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें रिडंडेंसी बिल्कुल खत्म करनी होती है, ठीक है। तो वी शुड यूज द सेकेंड वे, डेट इज अ डीकम्पोजिंग द रिलेशन। ओके, तो हमने फर्स्ट वे को यूज कर लिया, वी हैव द फ्लैटन द टेबल, ठीक है। हमने इसको फ्लैट कर लिया, इसमें जो रिपीटिंग ग्रुप थे वो खत्म कर लिए हैं, और इसमें जो हम प्राइमरी की देख रहे हैं वो प्राइमरी की क्या बनेगी हमारे यहाँ पे, व्हाट विल बी द प्राइमरी की, रोल नंबर? नो, बिकॉज रोल नंबर रिपीट कर रहा है। नेम, अगेन नो, नेम भी रिपीट कर रहा है। कोर्स, नहीं, कोर्स भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि सी और सी दो बार आ रहे हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी की होगी वो कंपोजिट की होगी, वो हमें दो एट्रीब्यूट से मिला के बननी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की होगी डेट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर एंड कोर्स, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा डेट वुड बी द प्राइमरी की है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि डिकम्पोजिशन की तरफ, इसको डिकम्पोज करेंगे। नाउ डिकम्पोजिंग ऑफ द टेबल, इट रिक्वायर्स द टेबल टू बी डिवाइडेड इंटू टू टू न्यू टेबल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम टेबल को दो न्यू टेबल्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बिफोर डिकम्पोजिंग अ यूजर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफायर्स इन बोथ द टेबल्स, ठीक है। हम इससे पहले कि हम डीकम्पोज करें, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि उसके आइडेंटिफायर्स कौन से। आइडेंटिफायर्स मतलब जो प्राइमरी कीज है हमारी, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी कीज टू, ठीक है। तो इसको हम डीकम्पोज करते हैं। तो डीकम्पोज करने के लिए हम एक तो देखो बेस टेबल बनाएंगे, ठीक है। बेस टेबल में लाइक ये रोल नंबर, और हम क्या रख सकते हैं, वी कैन कीप द नेम्स। तो रोल नंबर वन, रोल नंबर टू, रोल नंबर थ्री। वन पे आ गया साई, देन हर्ष एंड देन ओंकार, और एक हम टेबल इसका बना लेंगे रोल नंबर एंड कोर्स का। वन वन टू थ्री थ्री, सी सी प्लस प्लस, जावा सी डी बी एम एस। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला टेबल है, दिस इज द बेस टेबल, ओके, ये हमारा बेस टेबल होगा, और दिस वुड बी कॉल्ड एज रेफरेंसिंग टेबल। ये बेस टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें जो रोल नंबर है, रोल नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, प्राइमरी की, ठीक है। बट यहाँ भी जो रोल नंबर है डेट वुड बी नॉट बी अ प्राइमरी की, ये प्राइमरी की नहीं हो सकता, ये क्या होगा हमारा फॉरन की, और फॉरन की वाले टेबल को हम रेफरेंस टेबल भी बोल सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी की क्या बनेगी, फिर यहाँ पे प्राइमरी की रोल नंबर और कोर्स का कॉम्बिनेशन होगा, बट यहाँ पे प्राइमरी की क्या हमारी, ओनली रोल नंबर, और यहाँ पे फॉरन की क्या हमारी, फॉरन की वुड बी रोल नंबर ओनली। ये रेफरेंस कहाँ से लेगी, इस वाले बेस टेबल से, क्लियर। सो नाउ वी हैव डीकम्पोज दिस ओरिजिनल टेबल इनटू टू टेबल्स, ठीक है। एक बेस टेबल बन गया हमारा, और दूसरा क्या बन गया हमारा, रेफरेंस टेबल बन गया, ठीक है। नाउ दिस टेबल्स वी कैन कॉल इट एज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सो आई होप कि आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको डाउट्स हैं इसमें, या आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।